Now let me explain the strong hybrid technology here. Price, यहाँ पर काम खराब होता है. अगर हम एक नई बैटरी की कॉस्ट बात करें, जो फुल बैटरी हो कि 40 किलोवाट आर की, 50 किलोवाट आर की, तो वो 7 से 8 लाख पड़ती है, इंक्लूडिंग वो चेंज वाली कॉस्ट भी और बैटरी की कॉस्ट भी. अगर हम ओवरऑल पैनल की यहाँ पर बात करें, तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि आप एक फुल टैंक में 1200 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं. जो ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन है उसमें, लेकिन एक लिमिटेशन ये है कि वो आपको कुछ ही वेरियंट्स में प्रोवाइड की जाएगी. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल. माय नेम इज ऋषभ एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस. अ गेस्ट बिकॉज ये अभी थोड़ी समय के लिए हमारे पास है. अभी जब इसका ड्राइव रिव्यू होगा अगले महीने या सितंबर में, मे बी तब डिटेल ड्राइव रिव्यू होगा. लेकिन ये है एक बहुत ही स्पेशल व्हीकल, द ग्रैंड विटारा. इसमें सब कुछ ग्रैंड है, चाहे इसका इंजन हो, चाहे इसकी पावर्स हो, चाहे इसकी माइलेज हो, चाहे इसके फीचर्स हो. कैसे अभी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बिकॉज इस तरह के अमेजिंग वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करते रहते हैं. इससे पहले भी हमने अपलोड की विटारा की वीडियो, लेकिन वो बहुत जल्दी जल्दी थी. ये डिटेल्ड है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें ग्रैंड विटारा के बारे में एक एक चीज़ जानने के लिए. नाउ लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा स्पेशल इसमें क्या है. 28.8 किलोमीटर पर लीटर की, यानी कि 28 किलोमीटर पर लीटर की यहाँ पर आपको माइलेज मिल जाती है. और क्या आप जानते हो कि इस तरह की माइलेज अगर एक हाइब्रिड के साथ जोड़ी जाए, यानी कि इसके फ्यूल और जो बैटरी है उसके साथ इसको जोड़ा जाए, मोटर के साथ जोड़ा जाए, तो आप एक फुल टैंक में 1200 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं. मैसिव नंबर है कि नहीं? नॉर्मली कोई हैचबैक होती है या इवन कोई एसयूवी होती है, 600-700 मैक्सिमम 800 किलोमीटर कर लोगे इन अ डीजल. लेकिन ये पेट्रोल है, हाइब्रिड है, यहाँ पर 1200 किलोमीटर तक आप यू नो अपना ट्रैवल कर सकते हो. तो लॉन्ग डिस्टेंस, चाहे दिल्ली टू मुंबई वन गो कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए जाना. तो उसी तरीके से इस गाड़ी में और भी बहुत सारे स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे कि ऑल व्हील ड्राइव है, पैनोरामिक सनरूफ, वो भी एक ग्लास नहीं, दोनों ग्लास जो हैं वो थोड़े थोड़े पीछे होते हैं, तो एक ड्यूल पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर आपको ऑफर की जाती है. साथ के साथ आपको मिल जाते हैं यहाँ पर बेहतरीन डिज़ाइन, ऑल व्हील ड्राइव और बहुत सारे इंटीरियर में फीचर्स. तो चलिए अंदर चलते हैं, या नहीं सॉरी पहले बाहर से तो दिखाते फिर ही अंदर जाएंगे. शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट डिज़ाइन से. लुक्स वेरी वेरी एग्रेसिव, स्पेसिफिकली इसके LED DRLs. यही आपको इंडिकेटर का काम करने देंगे, जो आपको 3 यहाँ पर बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं. अगर मैं बात करूँ इस चीज़ के, तो ये LED DRLs हैं और यही इंडिकेटर का काम भी करते हैं. ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लग रहे हैं, मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया ये चीज़ लगी है. एंड इनफैक्ट अगर हम लाइट सेटअप की बात करें, नीचे आपको बाई फंक्शनल जो है, यानी कि लो बीम हाई बीम दोनों LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ही ऑफर किए जाते हैं, एंड बहुत ही बढ़िया इनका थ्रो भी यहाँ पर साबित होता है. लेकिन अगर हम ओवरऑल ग्रिल की बात करें, इसकी खास बात है इसका बड़ा और बल्की डिज़ाइन. देख सकते हैं कितनी बड़ी ग्रिल है, नीचे भी एयर डैम आपको काफ़ी बड़ा दिया गया है. यहाँ पर आपको फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, प्लस यहाँ पर आपको एक डार्क ग्रे कलर की टोन दी गई है, स्टारी सी नेक्सा ब्लू कलर के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर कर रही है. इंटरेस्टिंग 360 डिग्री कैमरा अब आपको इस गाड़ी में ऑफर किया जाता है ग्रैंड विटारा में, तो यहाँ पर आपको ये फ्रंट कैमरा जो है वो देखने को नज़र आएगा. अब ये वाला जो व्हीकल हमारे सामने खड़ा है, इसमें कुछ एक्सेसरी पार्ट्स भी हैं, तो वो भी आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा, और उसके साथ साथ आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के बारे में भी डिटेल में बताने वाला हूँ. तो आते रहो, बने रहो हमारे साथ. नाउ साइड प्रोफाइल. साइड प्रोफाइल में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तब आपको 17 इंचेस के बहुत ही बेहतरीन अलॉय व्हील्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि अपोलो की तरफ से हैं. आपको साथ में वेंटिलेटेड तो नहीं, लेकिन सॉलिड डिस्क ब्रेक्स भी ऑफर की जाती है फ्रंट टायर्स में, हालांकि रियर टायर्स में भी, लेकिन उनका साइज़ ऑफकोर्स थोड़ा छोटा है, वो आपको अलग से दिखाऊंगा. बट अगर हम अगर ओवरऑल टायर प्रोफाइल की यहाँ पर बात करें, तो अच्छा खासा आपको साइज़ जो है वो टायर का मिल जाता है, 215/60 R17, जो कि एक स्टैंडर्ड 17 इंचेस अलॉय व्हील्स का साइज़ होता है. व्हील आर्क यहाँ पर थोड़ा सा ग्लॉसी दिया गया है, डार्क क्रोम का नाम भी दे सकते हैं, थोड़ा ब्लैक टोन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि इस नेक्सा कलर जो है, ये मिडनाइट ब्लैक है, मिडनाइट ब्लू कह लो, सेलेस्टियल ब्लू कह लो, इस कलर को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर कर रहा है. मूविंग ऑन टू द साइड प्रोफाइल और ध्यान से, तब आपको यहाँ पर ORVM पर ही मिल जाता है इसका कैमरा और इंडिकेटर भी. क्रोम की स्ट्रिप भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, बट आई पर्सनली थिंक कि ये वाला शायद एक्सेसरी का पार्ट है, शायद नहीं, ये मुझे नहीं पता, बट आई थिंक है. अगर हम इसके ओवरऑल यहाँ ऊपर की बात करें, तब आपको ये रेन वाइजर्स ऑफकोर्स एक्सेसरी का पार्ट ही देखने को मिलेगा, लुक्स रियली गुड. यहाँ पर आपको क्रोम की स्ट्रिप मिल जाती है, इस तरफ आपको सिल्वर रूफ रेल्स मिलेंगे इन दिस मॉडल, जो कि कंट्रास्ट में है. कई मॉडल्स में ब्लैक कलर की भी दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिशिंग दी जा रही है, मोस्ट प्रॉब्ली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ, जो कि ये वेरियंट है. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के बेनिफिट्स सिर्फ माइलेज नहीं, और भी बहुत है, बताऊँगा अभी. रिक्वेस्ट सेंसर आपको को ड्राइवर साइड भी मिलेगा, ड्राइवर साइड भी मिलेगा. नीचे की तरफ आपको एज एन एक्सेसरी क्रोम भी ऑफर किया जाता है, और
यहाँ पर साइड में स्किड प्लेट भी आपको मिल जाती है, और प्लस ग्राउंड क्लियरेंस जो है अच्छा खासा 200 mm का मिनिमम होगा, 198 या 203 204 के आसपास आराम से इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस वो है, विच इज़ अ रियली गुड नंबर। जिस डिस्क ब्रेक की मैं बात कर रहा था रियर साइड में, वो आपको ये मिल जाती है, थोड़ी सी छोटी है बट अच्छी लगती है, इसमें कोई डिनाई नहीं है कि आपको अच्छी नहीं लगेगी। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर जो क्वार्टर विंडो दी गई है इसका साइज़ मुझे काफ़ी बड़ा लगा है, और इससे ओवरऑल गाड़ी जो है वो काफ़ी बड़ी लगती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका वाइड एंगल दिखाऊँ, अब अगर इस गाड़ी के ओवरऑल साइड प्रोफाइल की मैं पूरी बात करूँ ना, तो मुझे ये एक बड़ी बॉक्सी माचो एसयूवी वाली फील यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। तो एक एसयूवी में बहुत सारे एसयूवी वाले करेक्टर्स होने ज़रूरी हैं। अगर हम स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल की बात करें तो यहाँ पर ऑल व्हील ड्राइव भी आपको ऑफर किया जाता है, जिसमें अलग अलग ड्राइव मोड्स हैं। जो ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन है उसमें लेकिन एक लिमिटेशन ये है कि वो आपको कुछ ही वेरिएंट्स में प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, या फिर अगर आप एक हाइब्रिड माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लेते हो सिर्फ उसके साथ, क्योंकि जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड यानी कि ई सी वी टी के साथ रखा, उसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलती है, उस वजह से उसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव भी नहीं है। और कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जैसे मैनुअल में जो नहीं मिलते वो एचयूडी है, जो कि इसमें अवेलेबल है बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रख लें। एंड माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के इंटीरियर भी डिफरेंट है, तो माइल्ड हाइब्रिड हमने अलग से वीडियो बनाई है, उसे चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो मैं रेकमेंड करूंगा आपको लेना, तो यहां पर आपको इसके इंटीरियर भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ऑफकोर्स थोड़ी सी रियर साइड देख लें, फिर इसके इंजन वगैरह के बारे में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अब ग्रैंड विटारा की रियर प्रोफाइल, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। इसका एक रीज़न बताता हूँ, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा अब LEDs के ऊपर काम करे, तो LED स्ट्रिप आपको यहाँ पर पूरी मिल जाती है। फ्रंट जैसा ही डिज़ाइन आपको रियर में भी देखने को मिलेगा, और ये भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। ब्लैक आउट एलिमेंट हो, ग्लॉसी फिनिशिंग हो, वो इसको कॉन्ट्रास्ट में और ज़्यादा हाईलाइट भी करती है। हाई स्टॉप लैम्प हो, शार्क फिन एंटीना हो, वाइपर हो, डिफॉगर हो, वॉशर हो, सब कुछ यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है। प्लस 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 रियर कैमरा आपको इस तरह देखने को मिल जाएगा ग्रैंड विटारा के बिल्कुल नीचे, और रिवर्स पार्किंग सेंसर में आपको चार चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं। प्लस ये सारा जो डार्क ग्रे वाली फिनिशिंग दी गई है वो, अगर हम इसके रिवर्स लाइट की बात करें तो इस तरफ आपको मिल जाएगी, दिस इज अ बल्ब इंडिकेटर, दिस इज अ बल्ब रिवर्स लाइट वाइट वाली, और ये एक रिफ्लेक्टर है जो कि ऑफकोर्स पीछे से लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट करेगा। बूट स्पेस हाइब्रिड के साथ थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर हो जाती है, बिकॉज अब ये देख सकते हैं कि ये आपको एक लिड मिल गया, ये तो इसको कवर कर देगा इसको फ्लैट फ्लोर बनाने के लिए, लेकिन अगर ये नहीं है यहाँ पर तो आप फिर भी सामान रख पाओगे, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। उसका रीज़न है बिकॉज यहाँ पर बैटरी है इसके नीचे, जो कि इसको ऑफकोर्स पावर करती है। अब उस बैटरी के बहुत सारे बेनिफिट हैं, बस 10 सेकंड और रुक जाओ, अभी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ। और इस तरीके से बस दिखाना ये चाहता था कि बूट स्पेस जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है एक हाइब्रिड के साथ, लेकिन फिर भी आपको अच्छी खासी जगह यहाँ मिलेगी, बड़े बैग्स 3 आराम से आ जाएंगे, और छोटे बैग्स रखने की तो जगह है ही। नाउ लेट मी एक्सप्लेन द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी हियर, जो इतना बड़ा USP है। 28 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, 1200 किलोमीटर एक ही गो में जाना, यानी कि एक बार फुल टैंक करा के, तो ये छोटी बात नहीं होती, बड़ी बात है। वो कैसे है? बिकॉज यहाँ पर आपको एक अलग से बैटरी और मोटर मिल जाती है, एक अच्छी खासी जो बैटरी है वो जगह भी कवर करती है ऑफकोर्स बूट में, और अगर हम मोटर की बात करें तो वो भी अच्छी खासी काम करती है, ताकि आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी दे सके। अब वो काम कैसे करती है कि जब आप गाड़ी से अपने स्टॉप की, जब आप पहली बार गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हो यानी कि इंजन ऑन करना चाहते हो, सबसे ज़्यादा फ्यूल वहाँ कंज्यूम होता है, पेट्रोल या डीजल। लेकिन अगर आपके पास एक बैटरी है, एक मोटर है, तो वो अगर इंजन को वहाँ से पावर करे तो स्टार्ट करने में वो हेल्प करती है। उससे बेनिफिट क्या मिलता है कि आपका इंजन ज़्यादा रिफाइंड तरीके से यानी कि कम आवाज़ में स्टार्ट होता है और फ्यूल नहीं लगता, जिसकी मदद से कहीं ना कहीं आपकी जो माइलेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और सेम 1200 किलोमीटर आप वन गो में जा सकते हैं। और उसके साथ साथ NVH लेवल्स यानी कि नॉइस वाइब्रेशन हार्शनेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, इंजन काफ़ी साइलेंट हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की मदद से ऑफकोर्स आपको एक बेटर एक्सलरेशन भी मिलती है, बिकॉज इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी दोनों ही आपको हेल्प करती है बेटर एक्सलरेशन यानी कि बेटर पिकअप प्रोवाइड करने में, तो उसका भी बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। लेकिन प्राइस यहाँ पर काम ख़राब होता है। अगर हम एक नई बैटरी की कॉस्ट बात करें, जो फुल बैटरी हो कि 40 किलोवाट आर की, 50 किलोवाट आर की, तो वो 7 से 8 लाख पड़ती है, इंक्लूडिंग वो चेंज वाली कॉस्ट भी और बैटरी की कॉस्ट भी। अब इसकी प्राइसिंग कैसे आती है? उतनी बड़ी बैटरी नहीं है, छोटी जो सेल्फ चार्ज होगी, सेल्फ चार्जिंग है, आपको चार्ज भी कहीं से अलग से नहीं करनी पड़ेगी, उसका एक अच्छा बेनिफिट है आपको। लेकिन वो कितनी कॉस्ट आती है वो अभी देखना बाकी है। लेट्स सी के टोयोटा हाईराइडर हो चाहे ग्रैंड विटारा हो, प्रॉपर हाइब्रिड के साथ किस प्राइस पर सामने आती है। बट डेफिनेटली एक प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट्स हैं, बेटर माइलेज, बेटर एक्सप्रेशन, और ऑफकोर्स आपको बेटर रिफाइनमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पेट्रोल इंजन होने के बावजूद ये डीजल से भी कई गुना ज़्यादा, कई गुना तो नहीं कह सकते बट काफ़ी अच्छे नंबर में, काफ़ी परसेंटेज वाइज माइलेज आपको बेटर प्रोवाइड करता है। नाउ द इंटीरियर। अब
जो ग्रैंड विटारा है ना, इसका इंटीरियर भी काफ़ी ग्रैंड है, स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट का, क्योंकि ये माइल्ड हाइब्रिड से थोड़ा डिफरेंट भी है। जैसे कि यहाँ पर आपको ये हेड्स अप डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, लुक्स रियली गुड, बट ये तभी ऑन होगी जब मैं गाड़ी ऑन कर पाऊंगा। चाबी अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है, बट हेड्स अप डिस्प्ले आप लोगों ने देखी, आपको पता है किस तरह दिखती है, वो गाड़ी ऑन करने पर सामने आ जाएगी। प्लस आपको जो डिफरेंट देखने को मिलता है वो है ये फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अच्छी बात पता है क्या देख सकते हो, कि आप इसमें पावर वाला मोड भी है, इको वाला मोड भी, और चार्ज वाला भी, यानी कि जब आप ब्रेक्स लगाओगे या स्लो डाउन करोगे तो रीजेन से ये जो बैटरी है उसको चार्ज भी करेगा, विच मीन्स आपको बेटर माइलेज यहाँ पर ऑफर की जाएगी। और ये फुली डिजिटल क्लस्टर काफ़ी अच्छा भी लगता है, एनिमेशंस भी आपको क्रिस्प एंड क्लियर देखने को मिल जाएंगी। अब इसकी टच स्क्रीन 9 इंच की मैसिव कनेक्टेड एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो भी वायरलेस, सब कुछ आपको मिलेगा। और यहाँ पर एनर्जी फ्लो की एनिमेशन भी आपको प्रॉपर प्रोवाइड की जाती है, प्लस व्हीकल कंट्रोल जैसे कि एम्बिएंट लाइट, क्योंकि अब आपको ऑफर किया जाता है तो उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। दिस इज़ द सिस्टम सेटिंग्स, अगर आप उसके सारी चीज़ें चेकआउट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। टच स्क्रीन वगैरह हम आपको डिटेल में बहुत जल्दी दिखाएंगे उसकी, डोंट यू वरी। अब यहाँ पर डैशबोर्ड में आप टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम भी इसका देख सकते हो, बिकॉज यहाँ पर ऑफर किया जाता है। ऑफकोर्स आपको एनर्जी फ्लो और वायरलेस चार्जर की ऑप्शन ऑन या ऑफ यहाँ से आप कर सकते हैं, बिकॉज इसमें फ़ोन भी आप वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। एनर्जी फ्लो इसको चार्ज करेगा बैटरी को, तो वो भी एक अच्छी आपको ऑप्शन मिल जाती है यहाँ पर देखने के लिए। इस टच स्क्रीन की खास बात कि ये बहुत ज़्यादा फ्लुएंट है, यहाँ पर आपको वाईफाई की ऑप्शन, ऑफकोर्स जो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए है, वो आप हॉटस्पॉट के थ्रू यहाँ पर चला सकते हैं, वो भी आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये जो टच स्क्रीन है ना, ये डेफिनेटली आपको इम्प्रेस करने वाली है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट, स्मूथ, सब कुछ आपको मिल जाएगा बेसिकली। अब इंटरेस्टिंग फैक्टर्स दो इंपॉर्टेंट, एक तो पैनोरामिक सनरूफ, ये कोई ऐसी वैसी पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, लेट मी शो यू नाउ, लेट मी शो यू द पैनोरामिक सनरूफ। ये कोई ऐसी वैसी सनरूफ नहीं है, बिकॉज ये ड्यूल पेन यानी कि ड्यूल मैकेनिज्म के साथ आती है। नॉर्मली ये वाला पैनल खुलता है, लेकिन आप देख रहे हो कि ये वाला पैनल भी खुल रहा है, ये वाला पैनल भी काफ़ी हद तक पीछे तक चला जाता है, जिसकी मदद से मुझे ये एरिया काफ़ी ज़्यादा खुला और वाइड प्रॉपर मिल जाता है। अब ये जो डिज़ाइन है ये थोड़ा यूनिक है, क्योंकि ऊपर वाला ग्लास ऊपर चला गया। अगर मैं दोबारा से आपको दिखाऊं, अब अगर मैं फिर से आपको दोबारा से दिखाऊं तो मैं क्लोज करूंगा सनरूफ, तो देख सकते हो दोनों ग्लास मूव करते हैं, नीचे वाला नीचे की तरफ को चला जाता है, ऊपर वाला उसके ऊपर चला जाता है। तो इस तरीके से ये ड्यूल मैकेनिज्म काम करता है। इसका बेनिफिट हमको क्या मिलता है कि आपको एक बड़ी सनरूफ देखने को मिल जाती है, जो कि एक्चुअल में ओपन भी होती है, सिर्फ ग्लास नहीं है, वो दोनों थोड़ी थोड़ी ओपन होती है। अभी भी ऐसा नहीं कि फुल ओपन होगी, बट काफ़ी ओपन हो जाती है किसी और गाड़ी के कंपैरेटिवली। कंफर्ट, आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है यहाँ पर, एडजस्टेबल मिलेगी, स्टोरेज की स्टोरेज, और कंफर्ट में ये जो सीट्स हैं काफ़ी अच्छे लेदर के साथ आती हैं, जहाँ पर शैम्पेन गोल्ड की स्टिचिंग की गई है, यानी कि जो कलर कॉन्ट्रास्ट है। लेकिन इतना ही नहीं, ये वेंटिलेटेड सीट्स भी, जिसके कंट्रोल आपको इस तरफ देखने को मिल जाएंगे। प्लस ईवी मोड और ड्राइव मोड से आप इसको चूज़ कर सकते हैं, कि अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पर चलाना चाहते हैं या दोनों का कंबाइंड मोड में। अब अगर हम इसके कंबाइंड मोड की पावर की बात करें, तो है तो 1.5 लीटर का इंजन ही, लेकिन इसकी मोटर और बैटरी की मदद से आप अचीव करते हो 115 BHP, 141 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब सुनने में ये पावर कम लगती है, लेकिन ये पावर कम है नहीं, बिकॉज आपको इलेक्ट्रिक वाली पावर मिलती है, तो इंस्टेंट टॉर्क मिल जाता है, इंस्टेंट पावर मिल जाती है। जो 141 न्यूटन मीटर भी है, वो भी आपको काफ़ी हद तक इंस्टेंट, पूरा नहीं क्योंकि फुल इलेक्ट्रिक नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक इंस्टेंट मिलेगी। तो एक्सप्रेशन आपको एक्चुअल में इस नंबर्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, जैसे माइलेज काफ़ी ज़्यादा मिलती है नंबर्स के हिसाब से, और डीजल के कंपैरेटिवली आपको अच्छी खासी पावर मिलेगी। ड्राइव रिव्यू में आपको डेफिनेटली ड्राइव के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। छोटे छोटे फीचर्स बताना चाहूँगा, ट्रैक्शन कंट्रोल, USB पोर्ट, 12 वोल्ट का सॉकेट, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको 6 स्पीड मिल जाती है, प्लस आपको AC वेंट्स के सारे कंट्रोल, क्योंकि ऑटोमेटिक AC है, वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और ऑटोमेटिक ही आपको ऊपर की तरफ IRVM भी ऑफर किया जाता है, ये भी सेफ्टी के लिए बढ़िया कि ऑटो डिमिंग आपको IRVM मिलेगा। सनग्लास होल्डर आपको ऑफकोर्स इस तरफ देखने को मिलेगा, और अगर इस तरफ दिखाऊं तो आपको वैनिटी मिरर और लाइट के साथ थोड़ा सा टिकट होल्डर भी मिलेगा, और इस तरफ भी आपको प्रॉपर वैनिटी मिरर, लाइट एंड टिकट होल्डर ऑफर किया जाता है। हालांकि लाइट्स अंदर आपको हैलोजन ही मिल रही है, चाहे फ्रंट हो चाहे रियर की हो। लेकिन और इंटरेस्टिंग चीज़ें, यानी कि ऑटोमेटिक हैंड लैंप्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स भी आपको इस गाड़ी में ऑफर किए जाते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें, ये है हार्ड प्लास्टिक, दिस इज सॉफ्ट सॉफ्ट टच, ये वाला शैम्पेन गोल्ड वुडन डिज़ाइन आपको मिलेगा, उसी के कलर की सेम मैचिंग आपको मिल जाती है इसकी ये स्टिचिंग, और एम्बिएंट लाइट भी यहाँ पर ऑफर की जाती है गोल्डन कलर की, वो भी गाड़ी ऑन नहीं है तो, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखाता। दिस इज़ द ग्लव बॉक्स, नॉट अ वेरी बिग वन, अगर कूल्ड नहीं अनफॉर्चुनेटली, बट फिर भी ठीक ठाक आपको यहाँ पर स्टोरेज मिल जाती है। अगर हम ओवरऑल पैनल की यहाँ पर बात करें, तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि फीचर रिच, हर जगह आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ का बटन मिल जाएगा। फीचर्स की बात कर रहे हैं तो एक 360
डिग्री कैमरा एक ऐसा फीचर है जो अब आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है ग्रैंड विटारा में, जिसकी क्वालिटी यहाँ तो अच्छी लग रही है, बट लेट्स अवेट एंड वॉच कि एग्जैक्ट इसकी क्वालिटी कैसी है रात में भी और दिन में भी। अभी ये जो डिज़ाइन है ये एक्चुअली कारपेट का डिज़ाइन है जो सामने यहाँ पर बिछा हुआ है, यहाँ पर अजीब सा लग रहा है, बट आप अलग अलग एंगल से भी चेक कर सकते हो कि किस तरीके का इसका एंगल है। अभी डोर्स खोले हैं तो इसलिए इस तरीके का कुछ आ रहा है, बट कैमरा क्वालिटी मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी है। सो दिस इज़ द इंटीरियर, यहाँ पर सारे स्टीयरिंग रिमोट कंट्रोल्स हो गए और एसी वेंट्स आपको प्रॉपर सब मिल जाएगा। डोर पैनल की यहाँ पर बात करें तो अभी सारे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, आपको ORVMs फोल्डेबल मिल जाएंगे, सारे पावर विंडो के कंट्रोल्स, और यहाँ पर भी लेदर और सॉफ्ट टच कुशन, यानी कि इधर भी कुशन है, ये भी कुशन लेदर है, और यहाँ पर भी आपको लेदर कुशन ही देखने को मिलता है। इस तरफ जो सीट बेल्ट है वो हाइट एडजस्टेबल है, वो भी आपको ऑफर की गई है, ऐसे करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ इस तरफ भी आपको हाइट एडजस्टेबल ही मिलने वाली है सीट बेल्ट्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सेफ्टी। 6 एयरबैग स्टॉप मॉडल, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसा सब कुछ मिलेगा। प्लस हालांकि इस मॉडल में नहीं, लेकिन विटारा के कुछ मॉडल्स में ऑल व्हील ड्राइव वाली ऑप्शन में आपको ड्राइव मोड्स जो है वो भी मिल जाते हैं, जिसमें स्नो मड एंड डेजर्ट का है, और टेरेन मोड यानी कि नॉर्मल टायरमैक पे चलाने वाले भी, उसका यहाँ पर आपको नॉब नहीं मिलता इस वाले वेरिएंट में, बट अगर आप इसका 1.5 माइल हाइब्रिड लोगे तब आपको ऑल व्हील ड्राइव की ऑप्शन भी मिलेगी और उसका स्विच भी मिलेगा। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है, और ये जो ट्रांसमिशन है ये भी आपको पसंद आएगी, जो ये वाली है ये ECVT वाली के साथ आएगी, 6-speed टॉक कन्वर्टर उसके साथ ऑफर किया जाता है, तो ये भी आपको बता दूं कि ये ऑटोमेटिक में ही आती है, जो कि एक अच्छी ऑटोमेटिक है, अब बाकी ड्राइव रिव्यू में पता लगेगा। अब एक और चीज़ लास्ट, काफ़ी लंबी ये वाली चल रही है, बट ये वाली जो सीट है ये हाइट एडजस्टेबल है, लेकिन मैनुअली, इलेक्ट्रिकली आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, आप रिक्लाइन वगैरह मैनुअल करोगे, और हाइट एडजस्टेबल भी आप इसको कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रियर सीट एंड वहाँ के फीचर्स दिखा देता हूँ। स्टार्ट करते हैं रियर सीट के स्पेस और कंफर्ट से। यहाँ पर लेगरूम तो काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, हालांकि ये वाली जो सीट है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्लाइड आगे की हुई है, तो इतना लेगरूम तो आप आराम से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। अंडर थाई सपोर्ट ठीक है, नी रूम अच्छा से मैंने बता दिया, लेग रूम भी आपको अच्छा मिल जाएगा, अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है बट इट्स गुड इनफ। यहाँ पर आपको ट्रांसमिशन टनल मिल जाएगी, तो तीन लोगों के लिए बैठना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर डार्क ज़रूर है, और थोड़ा सा यहाँ पर टाइट ज़रूर हो जाएगा, और बिकॉज यहाँ पर जो सेकंड में यानी कि मिडिल पर्सन को बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट यहाँ कट नहीं है तो अंडर थाई सपोर्ट उसको फिर भी मिल जाएगा। लेकिन कंफर्ट के लिए रेयर एसी वेंट्स आपको यहाँ पर ऑफर किए गए हैं, प्लस आपको यहाँ पर USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक USB टाइप सी और दूसरा आपको USB A मिल जाता है, और थोड़ी सी फ़ोन की स्टोरेज आपको यहाँ पर ऑफर की जाती है। स्टोरेज के नाम पे यहाँ पर भी आपको स्टोरेज है, और डोर साइड्स पे भी आपको अच्छी खासी लेदर पैडिंग स्टोरेज, और 6 speaker आपको सिस्टम मिल जाता है आर्कमेस की तरफ से। पैनोरामिक सनरूफ का व्यू यहाँ से बहुत अच्छा लगता है, बस यहाँ पर जो मुझे पर्सनली लगी एक ही चीज़ की कमी, वो है हेडरूम। अब देख, मेरी हाइट इज़ 5'8", लेकिन हेडरूम बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगर कोई लंबा पर्सन होगा तो वो नहीं बैठ पाएगा, सेम प्रॉब्लम हमें हाई राइडर में भी आई थी, वैसे ही आपको ग्रैंड विटारा में भी लग रही है कि हेडरूम की कमी यहाँ पर डेफिनेटली आपको महसूस होने वाली है। बट वही एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आर्मरेस्ट का फोल्डर्स के साथ, ऑफकोर्स यहाँ पर आपको 3-point सीट बेल्ट भी मिल जाती है मिडिल पैसेंजर के लिए, और आइसोफिक्स चाइल्ड एंकोरेजेस तो हैं ही, तो कम्फर्ट ठीक रहता है। सिर्फ और सिर्फ एक हेडरूम है जो पर्सनली मुझे लगता है कि बेटर हो सकता था। ग्रैंड विटारा सब कुछ वाकई काफ़ी ग्रैंड है, माइलेज मैंने आपको बता दी, फीचर्स मैंने आपको बता दी, और उसके साथ साथ मैंने आपको इसके एक्सप्रेशन और इसके लुक्स के बारे में भी काफ़ी डिटेल में बता दिया। ग्रैंड विटारा में जैसे कि मैंने बताया कि सब कुछ ग्रैंड है, आप बताएं आपको ये ग्रैंड लगा है या नहीं। डिज़ाइन वाइज मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बट हाँ, एक बहुत न्यू वाली एलिमेंट सामने नहीं आता, बिकॉज काफ़ी सारा जो डिज़ाइन है वो कैरी फॉरवर्ड किया गया है। कुछ आपको XL6 जैसी लगेगी, चाहे वो ब्लू कलर की वजह से, चाहे वो साइड स्टैंड की वजह से, कुछ आपको हाई राइडर क्योंकि अभी हमने रिसेंटली दिखाई है तो वैसा भी आपको नजर आएगी। ऑफकोर्स थोड़ा थोड़ा पता नहीं क्यों, अब आप थोड़ी सी मेरे को वेन्यू की याद भी आती है, और अगर साइड प्रोफाइल से पूरा स्टैंस इसका देखूं तब मुझे कहीं ना कहीं जीप कंपस, छोटी जीप कंपस ऑफ कोर्स, वैसी बॉक्सी एलिमेंट भी नज़र आता है। तो बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पर हर एक गाड़ी की जो झलक है इसमें नज़र आती है और अपनी एक ही नई पहचान बना देती है। सो दिस वॉज द ग्रैंड विटारा। वॉट डू यू थिंक अबाउट द ग्रैंड विटारा? बेस मॉडल की प्राइस कुछ दिन पहले लीक हुई है, वो 9.5 lakh, सब देखते हैं कि उतनी प्राइस आती है या नहीं, बट डेफिनेटली एक प्रॉमिसिंग, एक केपेबल और एक एक्साइटिंग प्रोडक्ट तो मारुति ने हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। कुछ ही दिनों में यानी कि अगले महीने या मैक्सिमम सितंबर तक इस गाड़ी को कम्प्लीटली लॉन्च भी कर दिया जाएगा, प्राइसिंग सामने आ जाएगी, ड्राइव रिव्यूज हमारे चैनल के ऊपर आ जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अभी के लिए
दो काम आपको करने हैं, एक तो इस वीडियो को शेयर करो, इतनी मेहनत और इतने प्यार से आपके लिए वीडियो बनाई है, लाइक करें, नीचे कमेंट करें, और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर कर लें। दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग द ग्रैंड विटारा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू शेयर योर ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में, और उसके साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय। लव यू गाइज़।